बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई सलमान मलिक और आप देख रहे हैं सलमान का किचन। और आज हम सलमान के किचन में बनाने वाले हैं चिकन स्टू। और चिकन स्टू हम बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से रेस्टोरेंट में बनता है, यानी कि जिस तरीके से ढाबे पर बनता है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए चलते बना लेते हैं चिकन स्टू बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल से, यानी कि ढाबे के तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए जी बना लेते हैं चिकन स्टू। और चिकन स्टू बनाने के लिए हमने ले ली थी 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हमने स्लाइस चॉप करके काट लिया था। तो चलिए जी, हमने ले ली है एक नॉर्मल सी प्यारी सी कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून भर करके ऑयल। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसाले में हमने 1 टेबलस्पून भर करके ले लिया है शाही जीरा, और 1/2 टेबलस्पून हमने लिया है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। और इसमें 7 से 8 डालेंगे हमारी इलायची, और 8 से 10 इसमें हम डालेंगे लौंग, और इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़पात के पत्ते। और ये डालने के बाद इसको हमने 30 से 40 सेकेंड के लिए हल्का सा स्टर कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज को स्लाइस करके काट लिया था, वो प्याज इसमें हम डालेंगे। और प्याज डालने के बाद इसको हमने एक मर्तबा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, यानी कि इसको अच्छे से चलाएंगे। और चलाने के बाद इसको हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। जब तक इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता, तब तक इसको हम पकाएंगे। तो चलिए जी, अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टेबलस्पून नमक, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने एक मर्तबा अच्छे से चलाएंगे, और चलाने के बाद इसको भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक इसका अंदर का जो कच्चापन होता है वो नहीं निकल जाता, तब तक इसको हम कर देते हैं कवर। और कवर करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। तो चलिए जी, कवर को ओपन कर लेंगे। और कवर को ओपन करने के बाद अब इसको हमने एक मर्तबा अच्छी तरीके से चला देंगे। और चलाने के बाद अब जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारे प्याज है, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हमने ले लिया था 500 ग्राम चिकन। चिकन हमने हड्डी वाला और बिना हड्डी वाला लिया है, तो वो इसमें हम डालेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे, ये हमने ले ली थी 200 ग्राम दही। दही इसमें डालेंगे, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च। मिर्च हमने पिसी भी नहीं डालनी, क्योंकि जो स्टू होता है वो व्हाइट होता है या हल्का येलो होता है। तो इसमें हमने लाल मिर्च साबुत डाल देनी है बीच से तोड़ करके ये। और ये डालने के बाद इसको हमने एक मर्तबा अच्छी तरीके से चलाएंगे, यानी कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको अब हमने बस कर देना है कवर। और कवर करने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। तो चलिए जी, 7 मिनट हो चुकी है, कवर को ओपन कर लेंगे। और माशाल्लाह से जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारा चिकन है, चिकन 50% तक पक चुका है। और जो हमारा चिकन है, चिकन ने पानी छोड़ दिया है। तो इसको हमने एक मर्तबा अच्छे से चलाएंगे, और चलाने के बाद में अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम के करीब। इससे डालने के बाद में जो हमारा चिकन है वो 100% तक अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो इसको हमने एक मर्तबा अच्छी तरीके से चला देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हमने कर देना है कवर। और कवर करने के बाद इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए जी, 25 मिनट के बाद में कवर को ओपन कर लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा चिकन है वो 100% तक अच्छी तरीके से पक चुका है। तो इसको हमने एक मर्तबा अच्छी तरीके से चलाएंगे, और चलाने के बाद में जो इसका पानी है, पानी को हमने सुखा लेना है, क्योंकि अभी इसमें पानी है। तो इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे, जब तक इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख नहीं जाता। तो चलिए जी, अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हमने 4 से 5 हरी मिर्चें वो बीच से काट लिया था, वो इसमें हम डालेंगे। और ये डालने के बाद इसको हमने एक मर्तबा अच्छे तरीके से चला देना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसको हमने एक मर्तबा फिर से चलाएँगे। और चलाने के बाद इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। और बस इसको अब हम कर लेते हैं सर्व। तो माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो
चिकन स्टू है बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। तो आइए जी कर लेते हैं इसको सर्व, और सर्व करने के बाद इसको आप जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल वही टेस्ट वही कलर जैसा कि आप रेस्टोरेंट या फिर ढाबे पे खाते हो। तो फ्रेंड इसको आप इसको एक मरतबा अपने घर पे जरूर बनाइए, आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे, रेस्टोरेंट का खाना भूल जाओगे। अगर फ्रेंड आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें।